गुड गुड इवनिंग एम एम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कीबोर्ड फेलियर तो कीबोर्ड हमें पता है जैसे कंप्यूटर का सबसे एक अहम इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम लोग कमांड्स हम फैड करते हैं कंप्यूटर को या तो फिर कोई हमें कोई फॉर्मेट डिज़ाइन करना है या तो फिर कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है तो टाइपिंग पर्पज़ से हम लोग कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर <coughs> तो कीबोर्ड इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विदाउट विच इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू तो वर्क ऑन सिस्टम कीबोर्ड एक ऐसा महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का जिसके बिना लगभग कंप्यूटर में काम किया ही नहीं जा सकता यू नीड अ की फॉर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टास्क ऑफ सिस्टम हमें सिस्टम में वर्क करने के लिए प्रत्येक वर्क के लिए कीबोर्ड की आवश्यकता होती है फॉर नेट सर्फिंग टू गेमिंग इस टास्क रिक्वायर अ कीबोर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन एंड इनिशिएशन हमें वेब uh, सर्फिंग करनी हो इंटरनेट में हमें कोई चीज़ सर्व uh, करना है सर्च करना है हमें गेम खेलना है और चाहे कोई भी कार्य हो उस पर्पज से uh, हमें कीबोर्ड की आवश्यकता होती है इन द रेयरस्ट ऑफ द रेयरस्ट सिनारी वी हैव टू फेस द की बोर्ड फेलियर दैट वी नेवर एक्सपेक्टेड बहुत ही रेयर ऐसा सिचुएशन आता है जब हम पाते हैं कि हमारा कीबोर्ड वर्क नहीं कर पा रहा है तो ये प्रॉब्लम रेयर ही आता है और हम माइंड uh, भी हम जो की प्रेस कर रहे हैं वो हमें वहाँ पर उसका इंप्रेशन ना मिले कंप्यूटर पर या तो फिर हम कोई कमांड इनपुट uh, कर रहे हो कंप्यूटर को तो वो कमांड प्रॉपर कमांड सीपीयू तक ना पहुँचे तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है जिस समय में हम फेस करें कीबोर्ड एबनॉर्मली बिहेव कर रहा हो तो ऐसे प्रॉब्लम को कीबोर्ड फेलियर प्रॉब्लम कहा जाता है कीबोर्ड इज अ टफ डिवाइस दैट डू नॉट गेट ब्रोकेन और डैमेज सो इजीली कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस होता है जो बड़े आसानी से तो वो ना तो ब्रोकन होता है ना तो इसमें डैमेज होता है ना तो किसी प्रकार का फॉल्ट आता है बट समाइम टू गेट्स फेल लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह फेल हो जाता है वर्क नहीं कर पाता है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है देयर आर सम कॉमन इशू विच यू कैन फेस और मे बी फेसिंग ड्यू टू समय दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं uh, जो आप की बोर्ड uh, के फेलियर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो आइए देखते हैं वो प्रॉब्लम कौन कौन से हैं कनेक्शन इशू तो Uh, हो सकता है uh, कि आपका uh, जो कीबोर्ड है वो प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो आपके मदरबोर्ड से आपसे आपके सीपीयू से तो ऐसा प्रॉब्लम भी अगर हो सकता है तो यह एक uh, सबसे इंपॉर्टेंट आप चेक कर लें कि आपका जो कीबोर्ड है वो प्रॉपर्ली कंप्यूटर से कनेक्टेड है कि नहीं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशू दैट यू मे एनकाउंटर विल बी इम कनेक्शन समटाइम कीबोर्ड स्टॉप वर्किंग ड्यू टू कनेक्शन फेलियर तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशू दैट यू मे एनकाउंटर विल बी इम्प्रॉपर कनेक्शन है ना सब इमप्रॉपर uh, कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपका कीबोर्ड फंक्शन ना करे प्रॉपरली समटाइम की बोर्ड स्टॉप वर्किंग ड्यू टू कनेक्शन फेलियर कभी 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 जो की बोर्ड है वो फंक्शन uh, करना बंद कर देता है क्यों कनेक्शन uh, फेलियर होने की वजह से

आप मशीन को क्या करें आप रिस्टार्ट करें और उसके बाद माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपका कीबोर्ड प्रॉपर्ली प्रॉपरली वर्क करने लग जाए तो ये कनेक्शन इशू है यदि आपके कीबोर्ड में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इस तरीके के आप सॉल्यूशंस uh, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट है बेंट और ब्रोकेन पिन तो अगर पी टाइप का आपके पास दो प्रकार के कीबोर्ड या माउसेज आपको मार्केट में मिलेंगे एक का सॉकेट uh, होता है यू एस बी स्टाइल का दूसरा होता है पी एस टू स्टाइल का तो पी एस टू स्टाइल के की बोर्ड जो होते हैं उसमें पिंस होते हैं लगभग सिक्स पिंस होते हैं है ना सिक्स कंडक्टर पिंस होते हैं और एक इंसुलेटर पिन होता है तो माइड भी उसके जो पिंस हैं वो बैंट uh, uh, हों या तो ब्रोकन हो तो ऐसे सिचुएशन में आप एक बार चेक कर लीजिए कि उसके पिंस जो हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेट हैं कि नहीं वो बैंड तो नहीं हो गए हैं तो ये एक रीजन हो सकता है तो इसे आप फाइंड आउट कर लें एक बार एनालिस कर लें अपने कीबोर्ड को और चेक कर लें ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके की फेलियर का नेक्स्ट है नेक्स्ट uh, प्रॉब्लम है अपडेशन नोटिसिफिकेशन आफ्टर एवरी शॉर्ट इंटरवल द कंपनी सेंड्स एंड अपडेट टू रिमूव ऑल द बग्स एंड इश्यूज दैट यूजर्स आर फेसिंग इफ यू आर फेसिंग अ ट्रबल इन योर कीबोर्ड बोर्ड

अब बग्स आ जाते हैं हमारे मशीन में वायरसेस एंटर कर जाते हैं उसकी वजह से भी हमारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड हैं माउस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है वो बग्स बेसिकली करते क्या हम वो प्रोग्राम में एंटर करते हैं और प्रोग्राम में एंटर करने के बाद में उसके इंपॉर्टेंट फाइल्स को वो इरेज कर देते हैं जिसकी वजह से अब जो कीबोर्ड है या तो कोई हार्डवेयर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो ऐसे केसेस में आप क्या करें आप या तो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें विंडोज के या तो फिर जो कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जांपल लाइव हो गया डेल हो गया या तो फिर एचपी हो गया उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाएं आप अपने सिस्टम को एक बार अपडेट करें तो माइट भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है हार्डवेयर प्रॉब्लम इफ दे आर आर सर्टेन कीज दैट आर नॉट करेक्टली प्रॉपरली और बिकमिंग अनरिस्पॉन्सिबली स्लोली देन डस्ट कैन बी अ रीजन बिहाइंड दैट फेलियर है ना कभी कभी हो सकता है आप की को प्रेस कर रहे हैं और वो की का इम्प्रेशन आपको ना मिल रहा हो तो ऐसे ऐसे केसेस में हो सकता है आपके वो डस्ट हो सकता है आपके कीबोर्ड के आसपास की के आसपास टर्न द की बोर्ड अप साइड डाउन टू रिलीज द डस्ट ऑफ फ्रॉम द की बोर्ड इफ दैट डज नॉट वर्क देन बाई अ जेट स्प्रे टू गेट द जॉब डन फॉर द सेम इशू तो की के आसपास में अगर डस्ट जमा हो गया है तो आप कीबोर्ड को पलट करके आप थोड़ा प्रेशर दे करके थोड़ा आप उन डस्ट को रिमूव कर सकते हैं और या तो फिर मार्केट में स्प्रे आते हैं डस्ट रिमूवल स्प्रे उनका आप यूज़ करें is problems and get uh, rid of honykdm system problem every system has a set of operating system on which the keyboard layout depends on if you are uh, tapping a particular key and ending up getting the total opposite letter on his screen then system is might be using the different keyboard layout possibly you can change the keyboard layout as per your choice by heading towards control panel keyboard setting तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कई प्रकार के लेआउट होते हैं सेटिंग्स होते हैं आप उनकी सेटिंग को एक बार चेक कर लीजिए और माइंड भी वो जो आपका प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग में हो सकता है तो कीबोर्ड के लेआउट का सेटिंग होता है उसकी 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 सेटिंग को आप चेक कर लीजिए कीबोर्ड इज नॉट वन ऑफ द सेंसेटिव डिवाइस विच गेट फेल्ड सो क्विकली यू कैन वर्क ऑन सेम की बोर्ड एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट विदाउट एनी रिप्लेसमेंट कीप ऑल ऑफ दिज पॉइंट्स इन माइंड वेन एवर यू फेस की बोर्ड फेलियर इफ द इशू डू नॉट गेट रिजॉल्व देन यू माइट नीड टू परचेज द न्यू की बोर्ड इमिजिएटली तो ये आसानी से तो फेल नहीं होता है की बोर्ड यू कैन वर्क ऑन सेम की बोर्ड एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट विदाउट एनी रिप्लेसमेंट आप उसमें आप काम कर सकते हैं कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन माइंड वन एवर यू फेस कीबोर्ड फेलियर अगर हो सकता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है आप सारे ही ऊपर के सॉल्यूशंस को आपने आपने ट्राई कर लिया उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप बेटर है कि आप उसकी बोर्ड को रिप्लेस कर लें सो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर में हमें समझा जाना कीबोर्ड फेलियर सिम्टम्स और उनके सोल्यूशनस के बारे में